तो अब ज़रा पानी वगैरह चेक कर रहे हैं गाड़ी का इस वक्त। और अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि हम किधर जा रहे हैं, वो तो वैसे थंबनेल पे भी यार आप लोगों को पता चल जाएगा किधर जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, तो उसका बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमें खुद भी नहीं पता हम किधर जा रहे हैं, लेकिन खैर वो थंबनेल भी लिखा होगा तो उधर से आप लोगों को पता चल जाएगा, बाद में हमें भी पता चल जाएगा जब हम हो आएंगे। तो वो बताने की अभी ज़रूरत भी नहीं है और हम बता भी नहीं सकते अभी। ज़रा पापा तब तक तैयारी कर रहे हैं, पापा कहते हैं मैं तैयारी कर लेता हूँ जाने की। तो भैया वो कैसा लग रहा है? अचानक मुझे आपने तैयार कर दिया, तो बस गाड़ी तो रेडी थी, गाड़ी थी। सिर्फ चेकअप जाने से पहले इसका पानी चेक करना जरूरी है, ऐसी ऑयल चेक करना जरूरी है, बैटरी चेक करना जरूरी है। लॉन्ग ड्राइव से निकलने से पहले ये तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी गाड़ी दिखाएं, सर्विस मैंने करवा ली थी गाड़ी, सर्विस माशाल्लाह करवा ली थी, ठीक है। ऐसी सिर्फ ये चीज़ें चेक दो तीन करनी थी जो लॉन्ग ड्राइव पर निकलने से पहले। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिपल इजिप्शियन टूर्स। और यार फाइनली है, अभी सुबह हो गई है, सुबह सुबह उठ गए हैं 8:30 बजे। और इस वक्त आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार सारे नज़ारे यहाँ के, मतलब ये सारे बड़े बड़े दरख्त हैं यार, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके साथ ये ज़रा इस तरफ रोड जा रहा है, भूरबन रोड जा रहे हैं। और इस तरफ किधर जा रहे? सच आपसे तो मिले नहीं पाजी, कैसे हो? ठीक ठीक है, ठीक है। अब तैयारी कर रहे हैं निकलने की, तो कश्मीर के लिए निकले हम, कश्मीर की। फाइनली मैंने कहा बता देते, जाना था स्कर्दू की तरफ, स्कर्दू फिर जाएंगे इंशाल्लाह, वो थोड़ा सा लंबा टूर है, वो भी 2-3 माह तक इंशाल्लाह करना है। तो अभी जो है वो कश्मीर तो चक्कर लगाते हैं और कश्मीर दिखाते हैं आपको, कश्मीर कैसा है। तो अभी यहाँ से निकल के देखें दाऊ खान और लीपा वैली, ये कोशिश होगी कि ये कवर करें हम, आपको दिखाएं। वो भी LOC पर है लीपा वैली जो है, और वहाँ से होके आगे फिर हम जाएंगे अपर नीलम और वहाँ पर हम रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो आए फिर चलते हैं दोस्तों, अब गाड़ी के अंदर अपना सामान वापस रखते हैं और नाश्ता वगैरह ढूंढते हैं यार यहाँ से कहीं से, नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। वैसे तो अभी आगे निकल के नाश्ता करेंगे, मतलब यहाँ से आगे जाके हम ढूंढेंगे नाश्ता, तो नाश्ता करके। और ये देखो यार फिर से हम अपने यहाँ पे एक और दफ़ा नज़र आ गए हैं, हम इस तरह बनाते हैं ब्लॉग में, तो ये है यार। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे यार। तो दोस्तों हमने सारा सामान गाड़ी के अंदर रख लिया और अब निकलते हैं। सारा सामान आ गया हमारा, आईपैड वगैरह फ़ोन वगैरह सारे आ गए हैं, तो अब निकलते हैं आगे नाश्ता करने के लिए। दोस्तों अभी यार यहाँ पे नाश्ता लेने आए हैं, नाश्ता लेने आ गए हैं यहाँ पे, हमें जगह मिल ली है एक जगह पे, ये अंकल जी पराठे लगा रहे हैं। ये देखो ऋषा, उन्होंने नाश्ता करना करना है। दोस्त अब नाश्ता करते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों यार वेल फाइनली अभी नाश्ता कर लिया और अब आगे निकलते हैं सफर की तरफ। तो दोस्तों यार वेल फाइनली अभी फ्रूट्स लेने आए हैं, ये देखें हमने कहा रास्ते के लिए जरा फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। इधर जरा धूप होगी तो मौसम बहुत प्यारा हो गया इस वक्त, अभी इस वक्त टाइम हो गया है 10:10 हो गए हैं, 10:11 निकालो। तो इस वक्त ये देखो यार यहाँ का हाल, और ये वो हमारी गाड़ी खड़ी है
क्योंकि यहाँ से हम आगे जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो अभी यहाँ से बस पूछ लेते हैं फिर निकलते हैं सफर। तो दोस्तों यार वेल हम आज़ाद कश्मीर में इंटर हो गए हैं। अभी आप लोगों जैसे कि पीछे हम लोगों ने चेक पोस्ट भी दिखाई है, अभी वक्त हो रहा है 1:11:12 मतलब 11:12 हो रहे हैं, 11:11 लगा लो आप लोग। ये देखो देख लो टाइम देख लो दोस्तों, टाइम नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस वक्त ये टाइम हो गया सुबह के उठे हुए आप लोगों को बताया। तो नीचे वो देखो दरिया से जा रहा है, दरिया खुश हुआ हुआ है यार इस दफा ना बहुत ज़्यादा, हमने देखा है दरिया ओला है ही नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं क्या मसला हो रहा है दरिया को। बाकी पीछे पीछे नॉर्मल सा व्यू है, इतना खास नहीं माशाल्लाह। बाकी गाड़ी खड़ी है हमारी सारी, पापा वो खड़े हुए हैं। और दोस्तों इसी तरह सफ़र करते करते हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल खिलाफा है। दरिया जेहलम और दरिया नीलम के संगम और पीर चनासी के दामन में वाक़ मुजफ्फराबाद रावलपिंडी से 138 किलोमीटर और एबटाबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यह शहर सतह समंदर से 2470 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। दोस्तों यार मैंने अभी पानी मरवाने रुके हैं यार इंजन को नहीं छोड़ी, इंजन को तो मरवाना नहीं चाहिए, रेडिएटर को हमने कहा मरवा लें से गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। पानी पड़ गया यार, पानी पड़ गया। तो यार अभी वक्त हो रहा है, वक्त मैं कैसे बताऊँ यार, वक्त अभी 1:05 हो गए हैं इस वक्त, और अभी हम मुजफ्फराबाद से आ गए हैं यार। मेरी जगह कैसे पता नहीं है, देखते हैं चाहते हैं पापा पूछते हैं। और बस अभी ज़रा गाड़ी भी गर्म हो गई है, तो हमने कहा उसे भी रेस्ट देते हैं, रेस्ट कर करके जाना चाहिए यार, ऐसे नहीं जाना चाहिए, एक साथ चले जाएंगे फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा देख देख के जाना चाहिए। देखते हैं सामने पहाड़ वगैरह हैं हमारे, वो सारा व्यू आप देख सकते हैं। बाकी इधर गर्मी तो है यार, गर्मी है इधर, लेकिन रात से ठंड जैसे इधर हम वो ज़रा बेस्ट काम है थोड़ा सा, इधर हम ए सी भी लेना चला सकते हैं, इधर चढ़ाई वगैरह होती है सारी, उसका ज़रा थोड़ा सा मसला हो जाता है। इधर अभी वो रेडिएटर में पानी मार रहे हैं, और हमने देखा तब तक यहाँ पे पता नहीं क्या होटल वगैरह बना खड़ा। बाकी हमारी फ्लैक्सी पीछे लगी हुई है, मेरे पीछे लगी हुई, सारे से आते देख रहे हैं, पता नहीं क्या लगवा रही है हमने पीछे, वाकई मजाक के लगा ऐसे ही देख रहे हैं सारी। तो वो है अब देखते हैं। Thank you.
और दोस्तों उसके बाद चलते चलते हम पहुंचे धनी वाटरफॉल। धनी दोस्तों सब कहें धनी आबशार पे मुझे देखते हैं, और देखते वो सामने है। इधर अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है सारा सिस्टम। स्पाइडर फिर रहे हैं। बड़ी कंफर्टेबल सीढ़ियां बनाई हुई हैं, कंफर्टेबल सीढ़ी इजी है। हाँ हाँ वाकई इजी है। चार पांच के बाद उन्होंने ये स्टेप दे दिए ताकि आसानी से ऊपर से ऊपर जाया जा सके। ऐसे ही थोड़ा सा इस्लामी वाले भी पहुंच गए इधर। भैया इसका प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर फोन ही ना डाला जा सकता है। डाला जा सकता है। आपका दिल धक धक हो रहा है यहाँ पे? नहीं डाले ऐसे इस पानी के अंदर डालेंगे, इसके अंदर मैला पानी है, इतना साफ भी नहीं है, डालने का फायदा है नहीं। तो इसके अंदर है फायदा, इसके अंदर तो दोस्तों यार वाले भी जा रहे हैं साफ सार के अंदर, इधर जाते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस है। अगर हम देखेंगे और एक पानी ठंडा है उधर, इधर सी जाए हैं अब देखते हैं अभी इधर क्या हो रहा है हमारे साथ। पानी है देखने में ये तो मेला लग रहा है। नहीं वो कह रहा नहीं है ये देखें सब ही उसे देखें ना, सारे खड़े हैं पाँव नीचे करके देखें। वैसे बाकी पता नहीं है, ये देखें ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ गया। नहीं वो कह रहा है ये ठीक है देखें, अब अगर जूते के साथ आना चाहिए जूते के बगैर। इधर से ऊपर वाला काम ठीक है, वैसे जाना ऊपर से कर दोस्तों भी चलते हैं अंदर फिर देखते हैं। नहीं है इतना स्लिपी है। किधर से जाओ, उधर से जाना है आगे। ऊपर इधर से अच्छा अच्छा बड़ा काम खराब होना। हाय फोन ले आए अपना, इधर कुछ भी नहीं होता, वही तो बहुत ज्यादा ऊपर से गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर से गिर रहे हैं। आप लोग देखें वो गिर रहा है ऊपर से, फोन हमारा है जरा वाटर प्रूफ माशाल्लाह, कुछ भी नहीं होता फोन को, अल्लाह का है। अब पकड़े हुए अब आगे फिर धक धक हो रही वो गिला खड़ा सामने। प्यार ये है देखते हैं, पानी ऊपर से गिरी जा रहा है सारा। चलो फोन की ये फोन मैंने पहले भी दो तीन दफ़ा डाला हुआ है पानी के अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने इसे तब भी डाला था, काफ़ी माशाल्लाह चल ही रहा है, कुछ भी नहीं हुआ तो है तो माशाल्लाह वाटर प्रूफ के कुछ भी नहीं होता आमतौर पर। देखते हैं यहाँ तक पानी आ रहा है सारा। Thank you.
तो अब गिम्बल निकालने लगे हैं और अब बाकी शॉट्स हम इससे लेंगे। तो दोस्तों अब हमें एसकॉम की सिम लेने आए हैं, हमें बड़ी मुश्किल से यार एसकॉम की सिम मिली गई है। हमने इतने ज़्यादा ढूंढी यार, हम क्योंकि हमें चाहिए थी यार, हम आते जाते रहते ना इधर, तो एसकॉम की सिम पास होनी चाहिए। तो अभी एसकॉम की सिम लेने आए हैं, अभी एसकॉम की सिम ले रहे थे और बाकी हमारी वीडियो बन रही गिम्बल पे, हम इस तरह की दूर भी आ सकते हैं। और ये अल्ट्रा वाइड पे नहीं है, नॉर्मल पे वीडियो बन रही है, अल्ट्रा वाइड पे ऐसे लग रहा होता है। तो अब हम गिम्बल पे, गिम्बल के साथ तो अल्ट्रा से भी अल्ट्रा वाइड जा सकते हैं ना, मसला है ही नहीं। तो बाकी देखो आप लोग देख सकते हो, तो सारा पीछे अच्छा है, व्यू सा पहाड़ सा है पीछे, और ये पीछे दुकान बनी हुई है हमारे। और इधर पर देखो पापा खड़े हैं अंदर सिम ले रहे हैं, सिम लेते हैं फिर बताते हैं आप लोग क्या है कैसे है। दोस्तों ये पापा एंट्री करवाने गए हैं नीलम वाली, इधर है चेक पोस्ट, उधर एंट्री हो रही है सबकी। इधर अभी हम जरा रुके हुए हैं और हमने कहा एंट्री करवाते हैं अपनी, एंट्री करवा के फिर आगे अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं इंशाल्लाह खैर। बाकी हमने एसकॉम की सिम ले ली है और एसकॉम की सिम के साथ यार उसके अंदर पैकेज करवा लिया है। तो पैकेज तो पता नहीं कुछ 6 GB का फ़िलहाल करवाया था कि सिम एक्टिवेट हो जाए। बाकी हमारे पास एक यूफोन की सिम थी क्योंकि वो भी इधर एसकॉम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके अंदर भी हमने 10 GB का पैकेज किया था। तो अब उसके अंदर भी 6 GB है, उसके अंदर 10 GB, हमारे पास 16 GB हो गया टोटल। तो यूफोन पता नहीं इधर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो एसकॉम के अंदर वो भी कन्वर्ट हो जाता है ना जी। सर ये आपको पॉइंट, हाँ कश्मीर है कश्मीर जी बेटे, ये इंडिया के पास है सारा एरिया। नहीं तो वो जिसपे वो होती है डंडे पड़ते हैं, यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, ये सारे हिंदू लोग यहाँ पे पड़ती है, वो लोग बुलंद रहते हैं, मुसलमान रहते हैं मोस्ट ऑफ, हिंदुओं का पता नहीं। इधर जा रहे हैं, मतलब छोटा फ्लैग भी लगाया है, वो कोई छोटा। तो आइए आपको दिखाते हैं इंडियन फ्लैग, इंडियन उधर से आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, दिस इज द इंडियन फ्लैग अराउंड, ठीक है जी। ये सारा ये चुके ब्रिज है यहाँ पर, ये ब्रिज है और ये ब्रिज है और ये सारा फिर आगे इंडियन हट्स है। ये एक बड़ा झंडा, ये छोटा फ्लैग है इसके साथ, ये दोनों है इंडियन फ्लैग्स, ठीक है जी। ये पीछे सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है पीछे सारा। वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहे हैं, वो आईपैड है, वीडियो बनाते हैं। देखो यहाँ पे काम करने लगा है अपना, उसे ऑफिस से काम मिल गया थोड़ा सा। छोटा फ्लैग कहाँ गया इंडिया का? मेरा मोबाइल लेके गया है, ये है यहाँ से ज़रा बेहतर व्यू आ जाता है इसका, ठीक है जी। और इनकी ग्रीन फील्ड्स
अगेन आपको फ्लैग दिखाते हैं। दिस इज द इंडियन फ्लैग। दोस्तों भी आ गए हैं, पता नहीं कहाँ दुनिया की दुनिया में फिर रहे हैं। अभी हम धूप पड़ रही है आंखों में, मोरा आपको बाइट के वहाँ पे भी वो वहाँ पे ना बंदे भी रहते हैं। हाँ पापा अगर हमारा वीजा लगा फिर हम जा सकते हैं हैं? दोस्तों अभी हम इधर आए हैं और आप ये देखेंगे कितना बड़ा पत्थर है। खुदों को दाना खासा डर ही लग रहा है उससे यार, हर वक्त गिरी गिर भी सकता है। अल्लाह के सुपुर्द है, यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट मिली हुई है और ये देखें कितना ज़्यादा बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। हमने पहले गाड़ी इधर खड़ी की थी लेकिन हमने बाद में देखा इधर खड़ी की करोला के आगे, तो हमने बाद में देखा कि बहुत बड़ा पत्थर है, फिर हम पापा गाड़ी आगे ले गए हैं। तो दोस्तों इस वक्त अभी कुंडल शाही वाटरफॉल पे आए हुए हैं हम और अभी इधर मज़ा तो आ रहा है यार, लेकिन आप लोगों जैसे कि पहले बताया इधर पत्थर था बहुत बड़ा, उससे थोड़ा सा अभी हुए हैं, उसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए वैसे तो हमें, लेकिन अभी देखते हैं नीचे सारा आप लोग देख सकते हो। पानी के साथ साथ हम भी चल रहे हैं, पानी भी हमारे साथ साथ जा ही जा रहा है। बाकी अभी बहुत प्यारा है यार सामने सारा व्यू, मतलब मुझे तो पसंद है यार। हम पहले भी वैसे आए थे तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब मतलब हमने चैनल भी नहीं शुरू किया था, तब ना हमें बनाने का पता होता था कुछ। तो इधर आए हुए हैं हम, तीन चार दफ़ा आए हुए हैं और सारा एक्सप्लोर भी किया हुआ है, लेकिन अब हम दोबारा आए हैं क्योंकि छोटे होते आए थे वो, छोटे थे मतलब ऐसे भी नहीं, मैं जब 8 या 10 साल का था, मतलब जब 10 साल का था मैं तब आया था इधर और उसके बाद मैं आप आया हूँ इधर। अब मैं माशाल्लाह 15 साल को, तो 5 साल बाद तकरीबन लगा लो आप लोग, तो 5 साल बाद आए हैं और आप दोबारा एक दफ़ा सारे इधर एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करके फिर आप लोगों को बताएंगे आगे। बाकी इस वक्त सनसेट हो रहा है तो, लेकिन इधर जल्दी अंधेरा हो जाता है, असल ये है। बाकी ये पानी है सारा जा रहा है।
और दोस्तों यार मैं ये है कुंडल शाही वाटरफॉल, देखिए यहाँ सारा पानी गिरता है और उसके बाद यहाँ नीचे चला जाता है। पीछे से आ रहा है, वैसे ही होगा और क्या होगा, पीछे से आ रहा है यार। तो ये है, वैसे देखने में तो अच्छा लगता है, पानी यहाँ सारा नीचे गिर रहा है तो लोग यहाँ देखने भी आते हैं। तो ये सारा वाइट वाइट हो रहा है जिसके झाग सी बन गई है। तो दोस्तों अभी हम नीलम पहुंच चुके हैं और अभी पापा एंट्री करवाने गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपर नीलम पे। एक तो गाड़ी चलानी बड़ी मुश्किल होती है, मतलब चढ़ाई उधर की है, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आज रात को हमारा ये प्लान है यार कि अपर नीलम जाके स्टे करेंगे और फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे। पहले तो हमारा प्लान बना था कि हम इधर से ना नीलम से खाना खा के फिर अपर नीलम चले जाएंगे, इस तरह गाड़ी को भी थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इधर की चढ़ाई बहुत गंदी है, वो हम थोड़ा सा ना टाइम, ये देखो अभी लाइट है बाहर, रोशनी है, तो हम इस रोशनी में करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा फिर खाना ऊपर जाके खाएंगे अपर नीलम, तो अब चढ़ते हैं चढ़ाई।
बहुत ज्यादा ऊपर आगे जाना तो दोस्तों यार फाइनली अभी ज़रा रुके हैं, गाड़ी को सांस दिया है हमने। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी यार, एक साथ ही इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं चलो थी। अब क्या करें, देखो माशाल्लाह सामने व्यू देखो, अब हम बहुत टॉप पे आ गए हैं ऐसे सबसे, और इन पहाड़ों के बिल्कुल साथ मिल गए आगे। और वो पापा सामने इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उधर, वो अगर हम इधर गाड़ी के पास खड़े हैं अभी, बाकी गाड़ी का इंजन बहुत गर्म होंगे, गर्म होने के लिए होते हैं। और इसके ऊपर हाथ रखे करा, गर्म हो गया। बाकी यार अभी रूम वगैरह का इधर कुछ करते हैं, फिर उसको खाना वगैरह खाते हैं, फिर बाकी रहा। यार सोच रहा था मैं कि कुछ ना टाइम लैप्स वगैरह करें, उसका देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, जगह नहीं मिल रही यार टाइम लैप्स की, देख लेते हैं यार। तो दोस्तों वेल फाइनली हमें कमरा मिल गया। पहले मैंने सोचा था यार इधर टाइम लैप्स बनाऊंगा, लेकिन हमें बस कमरा ढूंढते ढूंढते यार थोड़ी सी लाइक देर हो गई, लेकिन अब टाइम लैप्स बन तो सकता है, अभी इस वक्त बन सकता है, मतलब तो हम शाम होने का या रात होने का बना सकते हैं, वो देखते हैं यार। बाकी अल्लाह के शुक्र है, क्या कर सकते हैं हम। दोस्तों खाना आ गया, खाना हमने भी खुद बनाया है, अच्छा खाना बन गया, पहुंच के बनाया है, अभी तो टेस्ट भी नहीं किया खाने की है, फिर कुकिंग का खाओ ऐसे नहीं, खुद कुकिंग की है हमने, और तब जाके ये खाना बन गया, अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का कढ़ाई बनाई है, खुद बनाई है, कह रहे थे हम खुद ही बना सकते हैं, लेकिन हमने हम खुद बनाते हैं अपना, क्योंकि टमाटर में थोड़ा सा करते हैं, खाना खाते हैं। और दोस्तों इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को दबा दो ताकि इसके अगले पार्ट भी आप लोग देख सको। और आप भी